प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के पास फोन पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच एक पहली तस्वीर सामने आई जिसमें संभावित मंत्रियों की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो जो चेहरे मंत्री बन सकते हैं, जो जो चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग हुई और मीटिंग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वैसे चेहरे जिनको मंत्री बनाया जाना है वो पहुंचे हैं। इसमें बिहार की बात की जाए तो जेडीयू कोटे से ललन सिंह मंत्री बनेंगे, रामनाथ भी मंत्री बनने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। इसके साथ ही एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान भी मोदी कैबिनेट के हिस्सा बनने वाले हैं। ये पहली तस्वीर जहां मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई और इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बिहार से छह जो चेहरे हैं वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि शामिल होने वाले हैं क्योंकि ये तस्वीर मीटिंग के बीच की तस्वीर है। सभी नए चेहरों के साथ पीएम मोदी की ये मीटिंग की तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ललन सिंह सबसे पहले रो में आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही आपको रामनाथ ठाकुर भी नजर आ रहे होंगे और जीतन राम मांझी ललन सिंह के ठीक बगल में बैठे आपको दिख रहे होंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी मंत्री बनने वाले हैं। इसके साथ ही हम दूसरे साइड की तस्वीर को देखिए तो गिरिराज सिंह नजर आते हैं और इसके साथ ही नित्यानंद राय बीजेपी कोटे से मंत्री बनने वाले और उनकी भी तस्वीर इस मीटिंग के बीच सामने आती है। चिराग पासवान भी आपको आप पीछे के रूम में बैठे हुए नजर आ सकते हैं। एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान भी मंत्री बनने वाले हैं। आपको बता दें कि सुबह से लगातार जो जो संभावित चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं उनको फोन किया गया। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, रामनाथ ठाकुर को भी MOS मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, ये तमाम चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में NDA को पूर्ण बहुमत मिली। नरेंद्र मोदी 9 जून को यानी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो दूसरे राजनेता होंगे। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम रखा गया है और जोर शोर से इसकी तैयारियां भी चल रही है और इसी बीच सुबह से ही तमाम कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरे को फोन कॉल पहुंचना शुरू हो गया है और ये मीटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बिहार के 6 नेताओं को जगह मिलती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।